सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी। फिलहाल वक्त हो चला है स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का, जिसमें हम आपको बताएंगे सदाबहार के बारे में। सदाबहार सदाबहार नाम तो सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं सदाबहार क्या है। हमारे इस खास रिपोर्ट में जानेंगे इसके फायदे और नुकसान। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कई समस्याओं का अचूक इलाज। इन्फेक्शन की समस्या में फायदेमंद सदाबहार। ब्लड प्रेशर की समस्या में मददगार सदाबहार। डायबिटीज मरीजों के लिए असरदार सदाबहार। ये एक ऐसा फूल है जो पूरे साल खिलता है। आयुर्वेद में सदाबहार को डायबिटीज के इलाज में काफी असरदार माना गया है। सदाबहार की पत्तियों को कच्चा चबाया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि उसका करेले के साथ जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक गले में खराश और मलेरिया को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। दरअसल सदाबहार के फूल और पत्तियों में एल्कोलॉइड नामक तत्व होता है, जो इंसुलिन बनाने में सहायक होता है। इंसुलिन ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकता है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। आपको बता दें कि सदाबहार के फूल से बना फेस पैक ना सिर्फ पिंपल से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, बल्कि दाग धब्बे और अन्य त्वचा से जुड़ी परेशानियों से भी राहत दिलाता है। खास बात है कि सदाबहार के फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप इसे अपने घर पर गमलों में लगा सकते हैं, और जब भी जरूरत हो इसके पत्तों और फूलों को तोड़कर फेस पैक तैयार कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सदाबहार के और कई फायदे हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक सदाबहार की पत्तियां गले में इन्फेक्शन की समस्या में बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एल्कोलॉइड्स एजमेलिसिन सर्पेंटीन नामक तत्व शरीर में मौजूद संक्रमण को दूर करने में मददगार माने जाते हैं। इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सदाबहार की पत्तियों का काढ़ा और रस मददगार साबित होता है। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद गुण हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद होते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं, तो सदाबहार की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप सदाबहार का सेवन कर सकते हैं। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद विनक्रिस्टीन और विनब्लिस्टीन एल्कोलॉइड कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। वहीं आपको बता दें कि किडनी स्टोन की समस्या में सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। किडनी की पथरी होने पर सदाबहार की पत्तियों को पानी में उबालने के बाद इस पानी को पीने से फायदा मिलता है। वैसे तो सदाबहार के फूल से अभी तक कोई नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि आयुर्वेद में भी इसके नुकसान के बारे में कुछ नहीं मिला है, लेकिन इसके अधिक सेवन से आप सभी को नुकसान हो सकता है। अगर हम सदाबहार के फूल का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, तो इसमें पाए जाने वाले तत्वों की वजह से शुगर लेवल कम हो सकता है। इस वजह से आपके शरीर को कई और बीमारियां लग सकती हैं। सदाबहार के फूलों में एल्कोलॉइड नामक जहरीले केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से मौखिक रूप से इसका सेवन करने में उल्टी, मतली व चक्कर आना जैसी परेशानी हो सकती है। वहीं पर आपको बता दें कि सदाबहार के फूलों का सेवन करने से बाल झड़ने की परेशानी भी हो सकती है, इसीलिए सदाबहार को औषधि के रूप में सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल सेहत से जुड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे आपको और भी ऐसी जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।